अभी तैयारी हूँ, चलो चलो। सुनिए, कार की चाबी है ना? वो तो है, अभी है। हाँ हाँ, मैंने लॉक भी कर दिया है, ये देखिए। तो चलो रेस्टोरेंट की ओर। ठीक है, मैं खाऊंगा 3-4 तरह के बर्गर और चॉकलेट आइसक्रीम और सॉफ्टी भी खाऊंगा। और मैं चाइनीज साथ नहीं खा सकता। एक ही चूज करना है, समझे? सिर्फ एक। ठीक है, तो फिर मैं आइसक्रीम संडे खाऊंगा बहुत सारे फ्रूट्स के साथ। रेस्टोरेंट चूज करो, जैसे कि कोरियन रेस्टोरेंट कैसा रहेगा जरा सोचो बेटा। पोटैटो रेड चिलीज के साथ, फ्राइड रेड चिलीज, स्पाइसी वेजिटेबल। आज हम लोग स्पाइसी और ताजा खाना खाएंगे, मजा आएगा। बेकिंग डिश की स्मेल आती है, लेकिन ज्यादा बेक नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही वक्त और आंच पर बननी चाहिए। सुनिए हैरी, मैं तो खेलूंगी। तो फैसला हो गया, आज हम जाएंगे कोरियन रेस्टोरेंट बिग स्टमक। रेस्टोरेंट का नाम तो अजीब सा है, टेस्टी और मजेदार है। सबको आजकल में सैलरी मिली है, इसलिए सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं शायद। लेट ही निकले थे ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बस पहुंचने वाले हैं बेटा। सुनिए, राइट लेन वाला उसी लेन से चलिए ना। अरे लेकिन पार्किंग में जाने के लिए तो हमें इसी तरफ से जाना चाहिए ना अमित से। अरे लगता है कोरियन रेस्टोरेंट में बहुत वेटिंग चल रही है। टाइम लगेगा यहाँ, मैं और नहीं रुक सकता। तो फिर कहीं और चलते हैं। लेकिन मुझे ये कोरियन कोरियन कोरियन। चिल्लाओ मत, सिर्फ तुम्हें भूख नहीं लगी है यहाँ? देखो शिनचैन, हमें भी भूख लगी है, समझे तुम? तुम तो कितनी लकी हो। अरे या हिमावारी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन आज मुझे कोरियन खाना खाने का मन है। अलग तरह का फास्ट फूड ट्राई करें, कुछ अलग तरह का कॉम्बिनेशन। जैसे कि? जैसे कि सोचो, हमने लिया एक बर्गर, एक प्लेट सैंडविच, एक प्लेट काठी रोल, थोड़े फ्रेंच फ्राइज। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन? वाह हैरी, आपने तो आज कमाल कर दिया, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है, लगता है हमारा लंच है। अरे वाह, फिर तो मजा आएगा बहुत। हैरी आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी भूख तो अब और बढ़ गई है। तो चलो फिर आज खाते हैं। क्या जगह खाली है? यही रोकिए, मैं पहले उतरूंगी। समझ गया। आपका स्वागत है। मैं जीत गई, वेटिंग भी नहीं चल रही। मैडम प्लीज अपना नाम यहाँ इस लिस्ट में लिख दीजिए। अब मैं सबको एक एक करके बुलाऊंगी, प्लीज आप जरा यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिएगा। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। इससे अच्छा तो पहले वाला रेस्टोरेंट। मुझे और खाना है। ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा, और खाओ। मुझे डैड खाना कब खाएंगे? थोड़ा तो इंतजार कर लो बेटा, आखिर इतनी भीड़ है, कुछ वक्त तो लगेगा इन लोगों को। ये खाना कितना टेस्टी है ना। शिनचैन, इस तरह खाते हुए लोगों को घूरो मत। पर अपनी आंखें बंद कर लूं क्या? तुम आ सकते हो। अच्छा ट्राई करता हूँ। शिनचैन, मैंने ये करने को नहीं कहा था। बैठकर इंतजार करना भी मुसीबत है एक। सब्र रखिए ना हैरी, बस थोड़ी देर और उसके बाद खाना खाएंगे। को सूचित किया जाता है कि 100 रुपए वाली सारी सुशी बिक चुकी है। ये क्या बात? अब जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ रुकने का तो अब क्या करें, किसी और रेस्टोरेंट में चलें क्या? फिर से उस लंबी लाइन में इंतजार करना। भूख लगी है, खाना चाहिए। अरे हम जा रहे हैं, लेकिन हमें सोचने तो दो कि कहाँ जाना है। क्यों ना हम इटालियन खाना खा लें? जरा सोच कर तो देखिए, बाहर से गरम गरम और अंदर से नरम नरम। गरम गरम और नरम नरम पान, उसमें से टपकता हुआ सॉस। हाँ, उसमें से टपकता हुआ टोमेटो सॉस, कितना टेस्टी। टेस्टी मशरूम की टॉपिंग भी। हाँ हाँ, टेस्टी मशरूम की टॉपिंग। हाँ? तुम पिज्जा की बात तो नहीं कर रहे हो? की ड्रेस और उन लोगों की स्माइल और सर्विस कमाल की होती है बेटा। और वो लोग कितने प्यार से गरम गरम खाना परोस करके।
मैरियो रेस्टोरेंट की सर्विस वो रेस्टोरेंट महंगी भी नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन ली, आज हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे लेकिन क्यों मित्सी? बताइए। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वाला पिज्जा कूपन है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ वीकडेज में किया जा सकता है, ना कि सैटरडेज और संडेज को। कहना आप चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम इटालियन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, कहीं और चलिए। अरे नहीं, इतनी कंजूसी भूख लगी है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। इस वक्त कुछ भी चलेगा, किसी भी ऐसी जगह ले चलो जहाँ खाना मिल जाए खाने को। जगह जा सकते हैं? कहाँ? अरे वो जो नई जापानीज नूडल शॉप खुली है वहाँ पर। चलो नूडल शॉप चलते हैं जल्दी से, इसमें गर्मा गर्म सॉस डालकर खाएंगे, मजा आएगा। ओया यह तो बहुत शांति है। हमारे रेस्टोरेंट पर तेरे लिए शुक्रिया, हाथ से हम इसे बंद कर रहे हैं। हा? ये तो बंद हो गया। हम डिनर टाइम पर ही कुछ खा पाएंगे, मेरा पेट।